गवर्नमेंट का रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ पार्ट वन पहले देखा था, अब हम पार्ट टू में दो मेन टॉपिक हैं इसके वो देखते हैं। एक तो ये हमने देखा था कि पब्लिक वेलफेयर की बात की थी, जिसमें पब्लिक फैसिलिटीज में अगर हम बात करें तो पब्लिक फैसिलिटीज में हमारी वाटर, सैनिटेशन, रोड, क्लीनिनेस, जो पब्लिक के लिए वो आती है। अगर हम देखें तो पब्लिक फैसिलिटीज को पूरा करने के लिए अब एक कॉन्सेप्ट है कि टैक्स, तो टैक्सेस जो गवर्नमेंट लेती है जैसे हम जानते हैं, तो उन टैक्सेस के क्या क्या यूज होते हैं, यूजेस ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस क्यों लिए जाते हैं। तो फर्स्ट यूज तो यही है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज होती है, जो पब्लिक को प्रोवाइड कराई जाती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, उसके लिए इन टैक्सेस का यूज किया जाता है। सेकेंड, हम जानते हैं बहुत सारी क्लैमिटीज आती है, तो सेकेंड अगर हम देखें तो कैलेमिटीज जब आती हैं, जैसे मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आया या फिर बाकी जो कैलेमिटीज होती है जैसे फ्लड आ जाते हैं या साइक्लोन हो जाते हैं या सुनामी, इन सब कंडीशन में यही टैक्सेस से जो गवर्नमेंट जो है लोगों तक फैसिलिटीज पहुंचाती है। थर्ड, अगर हम देखें तो इन टैक्सेस के थ्रू पुअर पर्सन के लिए जो जिन तक चीजें पहुंच नहीं पा रही उन तक चीजें जो है फैसिलिटीज पहुंचाने का काम भी इन्हीं के थ्रू किया जाता है। बाकी बहुत सारे गवर्नमेंट के पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम चलते हैं, जैसे आप जानते हैं हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, रोड्स होते हैं, नेशनल एनएच नेशनल हाईवे होते हैं या स्टेट हाईवेज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो इनके साथ साथ जो मिसाइल प्रोग्राम्स होती है गवर्नमेंट की उससे रिलेटेड, या गवर्नमेंट कोई पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई कड़ा हाईवेज मिसाइल पब्लिक वेलफेयर के लिए जितनी फैसिलिटीज होती है वो गवर्नमेंट यूजिंग बाय यूजिंग द टैक्सेस, द अमाउंट ऑफ द टैक्सेस कैन बी स्पेंड ऑन द मेकिंग ऑफ या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज और मिसाइल प्रोग्राम्स और द अदर इंटरनेशनल रिलेशन या पब्लिक फैसिलिटीज के जो प्रोग्राम है उस पर वो स्पेंड करती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज द वन टॉपिक, अनदर टॉपिक इज हाउ कैन गवर्नमेंट प्रोवाइड फैसिलिटीज स्पेशली हेल्थ, फैसिलिटीज स्पेशली हेल्थ टू ऑल एक्सेसिबल। वी ऑल नोज इन प्रीवियस टॉपिक वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पब्लिक एंड द प्राइवेट फैसिलिटी, बट वी कैन इजिली से दैट पब्लिक फैसिलिटी इज एक्सेसिबल, बट वी इजिली नो दैट द फैसिलिटीज आर लेस एक्सपेंसिव, बट इन प्राइवेट सेक्टर द फैसिलिटीज आर एक्सपेंसिव बट इजिली अवेलेबल, बट इन दूस पीपल हु हैव द इनफ अमाउंट और द इनफ फैसिलिटी इनफ अमाउंट और इनफ कंडीशन। सो हाउ कैन द गवर्नमेंट प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज टू ऑल? टू फर्स्ट वी ऑल नो जस्ट लाइक द सो मैनी प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स लाइक पल्स पोलियो प्रोग्राम, लाइक वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैन बी प्रोवाइडेड, अवेयरनेस कैंपेन वी ऑल नो देर आर सो मेनी अवेयरनेस कैंपेन लाइक इन दीज डेज वी ऑल नो कोरोना इज एन एंडेमिक, पैंडेमिक मीन्स होल ओवर, कोरोना जो है एक पैंडेमिक यानी बहुत बड़े एरिया में फैल चुका है। इन दीज जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं या ये आरोग्य सेतु है या अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं, ये सब पे जो जितना भी लगाया जा रहा है गवर्नमेंट का अमाउंट वो भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस कैंपेन का, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द अवेयरनेस कैंपेन। नाउ देर आर सो मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर नर्सेस, डॉक्टर्स एंड volunteers also, free checkups जो normal कई बार free checkup जैसे पर different type के जो time पे जो diseases आती हैं उनसे related checkups या camps, free camps also introduced,
ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटीज, और हम बाकी अपने लेवल पे भी लिख सकते हैं, तो बाय और यूजिंग ऑल दीज मैटर द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटीज टू ऑल पीपल, स्पेशली टू एक्सेसिबल टू ऑल पीपल. वी कैन से दैट इट इज इजिली एक्सेसिबल टू ऑल पीपल इफ दे हैव मनी और दे हैवंट मनी. सो वी हैव टू टॉपिक्स, सो राइट डाउन द क्वेश्चंस कोरिलेटेड विद दिस. क्वेश्चन वन, वाई टैक्सेस आर इम्पॉर्टेंट, या वी कैन से दैट यूजेस ऑफ टैक्सेस, क्या होता है टैक्सेस का यूजेस. सेकेंड, व्हाट आर द स्टेप्स यूजिंग बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी टू ऑल. So you have to do these two questions in your notebook. Thank you so much.